सबसे पहले हमें ये एप्लीकेशन लगेगा फेक ट्वीट नाम का, जो आपको इंस्टाग्राम मतलब प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसका न सिर्फ हमें एक ही यूज़ करना है, इससे हमें सिर्फ हमारा यूज़र नेम क्रिएट करना है। जैसे कि मेरा यूज़र नेम है कोरा कागज़, राइट। और आप यहाँ पे भी अपना नाम डाल सकते हैं, मतलब जो भी आपको इनिशियल नेम्स डालने हैं। कोरा कागज़ इसके आगे आप जो चाहे वो लगा सकते हो, जैसे कि कुछ लोग लगाते हैं फ्लावर्स लगा लो, और या मतलब कुछ भी लगा लो, जैसे कि आप, और हो सके तो अभी ये वेरीफाइड जो आइकन है उसको भी निकाल सकते हो। बट मैं मेरे पेज में जब भी कोड चलता हूँ वेरीफाइड आइकन रख लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो आप चाहे तो कुछ हार्ट्स डाल सकते हो, मतलब कुछ भी डाल सकते हो। जैसे कि आप एक चीज़ डाल लेते हैं, हम यहाँ पर मैंने डाल दिया ये वाला चीज़, ओके ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके बाद हमें चेंज करनी हमारी प्रोफाइल फ़ोटो, जो भी हमारे पेज की प्रोफाइल फ़ोटो है वो। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक काम करता हूँ, मैं कोई अच्छी सी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ ये मेरी प्रोफाइल फ़ोटो है सुशांत सर की, यहाँ पे रख लिया मैंने, और अभी इसे कर देता हूँ मैं ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ओके, अब सेव करने के बाद आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पिक्सल लैब की। तो अभी पिक्सल लैब ओपन करके बताता हूँ आपको क्या करना है आगे। ओके, अब मैंने पिक्सल लैब ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है उसे हमें चेंज करना है, और इसको रख देना है हमें प्योर वाइट। वाइट कर दिया। अब इसका जो टेक्स्ट है उसे भी हम चेंज कर, मतलब जो भी मैंने अभी टेक्स्ट, मतलब आपकी जो भी शायरी रहेगी कोट रहेगा वो उसमें आपको पेस्ट कर देना है। ओके, कर दिया। अब इसको भी हम कुछ करेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद इसके साथ भी खेलेंगे। अभी फिलहाल टेक्स्ट टेक्स्ट भी जाएंगे, और टेक्स्ट का कलर हम कर दिए ब्लैक। ये कर दिया मैंने ब्लैक। अभी इसको कुछ भी नहीं करेंगे हम फिलहाल के लिए, हो सके तो। अब इसके बाद इसे हम कुछ इस तरह के से एडजस्ट कर देंगे। ओके, अब इसका जो अलाइनमेंट है वो भी देख लेंगे। ओके, जो स्पेसिंग होती है लाइंस की उसको थोड़ा कम कर देंगे, और इसकी साइज़ भी बहुत बड़ी हो चुकी है, इसे भी कम कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसे अभी हमने कुछ एडिट नहीं, मतलब कुछ भी किया नहीं है, इसको हम अच्छे से बनाएंगे। अब आपने जो भी एक अभी पिछले बार फोटो बनाया था, मतलब फेक ट्वीट से जो बनाया था ना आपने, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। और इंपोर्ट करने के बाद इतना, मतलब इतना नहीं, ये जो आपका यूज़र नेम है वही क्रॉप करना है आपको। अब यही आप इतना सा यूज़र नेम हमेशा के लिए अपने पेज में यूज़ कर सकते हो, बस इसको एक ही बार बनाना होगा आपको। देख सकते हो यहाँ पे इसको मैंने बना दिया। अब इसको यहाँ से अच्छे से यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसको यहाँ पे ऐसे करके इसका जो अलाइनमेंट है लेफ़्ट साइड कर देंगे हम, क्योंकि हमारी जो फोटो है लेफ़्ट साइड से चालू होने वाली, राइट। अब इसका जो फॉन्ट है, तो फॉन्ट की बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, तो मैं आपको सारे के सारे फॉन्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, वहाँ पर आपको फॉन्ट सभी चीज़ें मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने फॉन्ट पर क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कुछ 1000-2000 फॉन्ट से, बट वो फॉन्ट का नाम मैं बता देता हूँ, एच, सिर्फ एच टाइप कीजिए आप यहाँ पे, और उस फॉन्ट का नाम है ये वाला, ये है जो फॉन्ट मैं जो हमेशा यूज़ करता हूँ। और अब इसको हम लाइन स्पेसिंग दे देंगे, लाइन स्पेसिंग देते समय अब आप इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब अकॉर्डिंग आप जैसे यूज़ करना चाहते हो आपकी मर्जी पे। अब इसे हम कुछ इस तरीके से कर देंगे, ओके। अब इसे एडिट करते वक्त के साथ इसके बाद हम कुछ मतलब अच्छी तरीके से दिखे इसके लिए, और इसको हम दे देंगे 100%। कहाँ है हमारा 100%, ये अभी ये काफ़ी अच्छा दिखेगा शायद, ओके। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है, ओके। अब इसको बड़ा कर लिया हमने, अब इसको बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब एडजस्ट कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको कर देना है सेव, ओके। और इसको PNG और अल्ट्रा पे, और इसको सेव कर दिया, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको ओपन करना है पिक्सआर्ट। अब पिक्सआर्ट ओपन कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी इमेज आप बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले हो उसके जो सिमिलर कलर्स है वो आपको यूज़ करने हैं। सपोज़ मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके की इमेज यूज़ करने वाला जिसमें ये वाले कलर्स होने वाले हैं। अब इसमें जाएंगे टूल्स में, और इसको करेंगे क्रॉप। और क्रॉप करते समय हमेशा याद रखना सिर्फ ये पोर्ट्रेट वाला जो रेशियो है वही यूज़ करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल ये बहुत चल रहा है, और ये जो वाला रेशियो है स्क्वायर का ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, उससे अच्छा ये दिखता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमेज होती है। अब उसके बाद हम इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे जो भी यूज़ करने वाला है, ओके। अब मैं इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी इमेजेस डाउनलोड करके रखी, आप भी चाहे तो डाउनलोड करके रख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे गया, और वो जो इमेज मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको मैं भी कर देता हूँ इंपोर्ट। सपोज़ ये इमेज मैं यूज़ करने वाला हूँ, ओके, हमारे फेवरेट कपल्स की, मतलब सीरियल्स की। अब यहाँ पे आपको ओपेसिटी दिख रही होगी इमेज की, अब इस ओपेसिटी को आपको एडजस्ट करना है ताकि वो जो ऊपर वाला कलर है आपने जो पीछे दिया था वो इनके ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हो ये कुछ
मतलब ये ज़्यादा हो गया, अब आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो जैसे आप यूज़ करना चाहो। तो मैं यहाँ पे इतना रख दूँगा और इसे कर दूँगा ओके। अब ओके करने के बाद इसे कर देंगे हम ऐड, और जो भी हमने कोड बनाया था इसको यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा मतलब इमेज के अकॉर्डिंग ऐसे थोड़े थोड़े पैच रखने साइड से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसे कर देना है ओके, अब इसको यहाँ से कर देना है ओके, और यहाँ पे सेव। तो आप देख सकते हो वो बन चुकी है, इसे सेव। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, अब इसे कर देंगे सेव, तो आपकी इमेज रेडी है। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है फॉन्ट, आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग है। अगर कुछ भी हेल्प लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।